आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत के लिए मसाला डोसा। सबसे पहले हम डोसे की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, गैस चलाएंगे, गैस को मीडियम आंच पे रखेंगे, ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, ऑयल को गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें ये आधा टीस्पून जीरा डालेंगे और जीरे को तिड़कने देंगे। गैस को लो मीडियम के बीच में कर देंगे। अब साथ में ही थोड़ी एक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे, स्टर करेंगे और इसको भी 15 सेकेंड के लिए भूनेंगे। अब कड़ी पत्ता के 7-8 पत्ते हमने थोड़े काट के डाले हैं छोटे करके, ये भी डाल देंगे। इनको भी मिक्स करेंगे। कड़ी पत्ते को भी हमने आधे मिनट के लिए भूनना है। अब ये 3 बॉयल्ड आलू हमने लिए, इनको हमने हाथ से ही रफली मैश कर दिया, ये डाल देंगे बीच में। काटने की इनको ज़रूरत नहीं, ऐसे ही मैश कर दें। जो थोड़ा मोटा है उसको भी ऐसे दबा के पतला कर देंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून सेंधा नमक। गैस बिल्कुल सिम पे कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे और गैस बिल्कुल सिम पे करनी है। इसको ढक के अब 5 मिनट तक पकने देंगे। आलू को पकते 2 मिनट हुए हैं, अब इनमें कड़छी मार के इनको हिला देंगे और इन्हें 2-3 मिनट और पकाएंगे और बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे। फिर से इसको ढक के रख देंगे। आलू को पकते 5 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार है। सब मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए और आलू का कच्चापन भी दूर हो गया। अब गैस करेंगे बंद और इसे एक साइड में रख देंगे। अब हम डोसे का बैटर बना लेते हैं। ये 1 कप हमने सिंघाड़े का आटा लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून दही का लिया है, ये भी डाल देंगे। ये सेंधा नमक आधा हमने मसाले में डाला है और आधा इसमें डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जैसे डोसे का बैटर होता है सेम वैसे ही बैटर बनाना है। अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। डोसे का बैटर हमने तैयार कर लिया। 1 कप में थोड़ा सा ये पानी बचा है, बाकी का यूज़ हो गया। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे आम डोसे की होती है और इसमें कोई लंप नहीं है। सब लंप्स इसमें से निकाल देने ऐसे कड़छी की मदद से। तो ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। तो चलिए अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। डोसा बनाने के लिए हम नॉनस्टिक पैन का यूज़ करेंगे और गैस को मीडियम रखेंगे और इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे टिश्यू पेपर से पोंछ देंगे सब तरफ से। बैटर डालने से पहले तवे को अच्छे से पोंछ लेना है, ज़रा भी ग्रीस नहीं होनी चाहिए। और बैटर को अच्छे से ऐसे हिला लेंगे, फिर तवे पे डालेंगे। ऐसे फैला देंगे इसको। अब थोड़ा ऑयल डालेंगे, ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज्यादा। अब इसको पकने देंगे 1 मिनट तक। अब इसको पलटी कर देंगे और दूसरी साइड भी पका लेंगे अच्छे से। गैस को मीडियम पे ही रखना है और फिर से पलटी करेंगे। अब इसमें आलू जो हमने मसाला बनाया था आलू का, ये डालेंगे। ऐसे आधा इधर से करेंगे और आधा गैस कम कर देंगे।
और इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और ऐसे ही दूसरा डोसा भी बना लेंगे। और डोसा बनाने से पहले तवे को ज़रूर पोंछना है अच्छे से, ज़रा भी ग्रीस नहीं होनी चाहिए। और बैटर को एक बार अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। ये हमने अभी दो ही डोसे बनाए हैं, इतने बैटर के 5 डोसे आराम से बन जाएंगे। गैस करेंगे बंद और इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, व्रत का मसाला डोसा। हमने इन्हें नारियल की चटनी और पुदीने धनिया की चटनी के साथ सर्व किया है। ये दोनों चटनियों की रेसिपी हमारी ऊपर स्क्रीन पे दी गई है, इसका वीडियो लिंक आप चेक कर सकते हैं। कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रा।